दोस्तों फैमिली आईडी बनना स्टार्ट हो चुकी है और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से लैपटॉप से फैमिली आईडी कैसे बना सकते हो। अगर आपकी एक फैमिली आईडी है और आप सोच रहे हो कि आपको अलग अपनी न्यू फैमिली आईडी बनानी है, सारा प्रोसेस मैं आपको ऑन कंप्यूटर ऑन मोबाइल फोन में आपको बताऊंगा। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो गाइस सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फोन में या फिर आपको लैपटॉप में सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले गूगल सर्च बार में आपको लिखना है परिवार पहचान पत्र, लिखकर आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद जो फ्रंट में आपको लिंक मिलेगा आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो आप परिवार पहचान पत्र की वेबसाइट पर आ जाओगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा जैसे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन का ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑफिशियल लॉगिन। उसके बाद मोबाइल लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र की ऑपरेटर आईडी है तो आप ऑफिशियल लॉगिन पर क्लिक करें। अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियल लॉगिन आईडी नहीं है तो आप मोबाइल लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और 1+1 की तरह 2 ये आपका कैप्चा है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करके आपको ओटीपी एंटर करना है तो आप मोबाइल लॉगिन पर आप लॉगिन कर जाओगे। अभी मेरे पास यहाँ पर दोस्तों देखिए ऑफिशियल लॉगिन पर क्लिक करूँगा, मेरे पास यूज़र नेम और पासवर्ड है। उसके बाद बताता हूँ आपको क्या प्रोसेस करना है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने लॉगिन कर दिया है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सिटीजन लॉगिन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट फैमिली, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देन उसके बाद देखिए आपसे यहाँ पर मांग रहा है फैमिली आईडी, यानी कि यहाँ पर वो आपको फैमिली आईडी एंटर करनी है जिसमें से आप मेंबर को स्प्लिट करना चाहते हो, यानी दूसरी फैमिली आईडी आप बनाना चाहते हो और ऑलरेडी आप एक फैमिली में ऐड हो। तो चलिए यहाँ पर हम वो सर्च करते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर फैमिली आईडी एंटर कर दिया। उसके बाद आपको सेम यहाँ पर आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बता रहा है कि इस फैमिली आईडी में जो हेड है उसके पास ओटीपी गया है, आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है और वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर ओटीपी भी वेरीफाई कर देते हैं। तो दोस्तों ओटीपी एंटर करने के बाद जितने भी फैमिली में मेंबर होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी मेंबर हैं यहाँ पर शो हो जाएंगे और आपको फैमिली आईडी अलग बनानी है तो आपको उन मेंबर को यहाँ पर चूज करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि आप जिसकी न्यू फैमिली आईडी बना रहे हो तो कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी होने चाहिए, 1 के यहाँ पर नहीं बनेगी। उसके बाद ये ऑप्शन फिलअप करने के बाद जिस भी मेंबर को आप अलग करना चाहते हो, नई फैमिली में जोड़ना चाहते हो, यानी कि नई फैमिली आईडी क्रिएट करना चाहते हो, वो मेंबर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपको नीचे प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करोगे फिर आपको थोड़ा नीचे डाउन जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है न्यू फैमिली सिलेक्टेड एग्जिस्टिंग ओल्ड फैमिली, ये आपकी ओल्ड फैमिली है, यहाँ से आप न्यू फैमिली में आए हो। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, आप किसको फैमिली में हेड बनाना चाहते हो आपको उसे सेल्फ पे क्लिक करना है, यानी सेल्फ बनाना है। और अब सेल्फ में जो आपने फैमिली का हेड बनाया है उसके रिलेशन में ये क्या लगते हैं, जैसे कि ये सेल्फ की ये वाइफ है यानी हेड की वाइफ है तो आपको यहाँ पर हेड के हिसाब से आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है। अगर हेड के बच्चे हैं तो लड़का है या फिर लड़की है, वो सन है या फिर डॉटर है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ये काम आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद वैलिडेट आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद ओके पर क्लिक करना है, उसके बाद ये जो कैप्चा है यहाँ पर एंटर करना है, जैसे कि स्टार का मतलब होता है गुना मल्टीपल, 6 × 1 × 6 यहाँ पर हो गया 6। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये करना है। उसके बाद ये नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, तो इस नंबर को आपको क्या करना है, ये आपकी फैमिली आईडी टेम्परेरी नंबर है, इसका आपको एक फ़ोटो ले लेना है ताकि ये जो नंबर है आपको याद रहे। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद एंटर फैमिली आईडी, जो आपने अभी फैमिली की फ़ोटो ली थी वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च पे क्लिक करना है। उसके बाद ये बता रहा है HOF मोबाइल इज़ नॉट फाउंड, आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी देखिए आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर देखिए लॉग आउट पर क्लिक करना है तो आपकी आईडी जो है लॉग आउट हो जाएगी। उसके बाद सिटीजन कॉर्नर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको जो भी आपने हेड बनाया था
उसका मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर आपको अपडेट करना है। सबसे पहले यहाँ पर हेड का आधार नंबर आएगा और यहाँ पर हेड का मोबाइल नंबर आएगा, उसके बाद आपको वैलिडेट पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम ये सब कर देते हैं। देन उसके बाद ये देखिए हमने यहाँ पर सभी डिटेल एंटर कर दी, उसके बाद हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है। उसके बाद देखिए फैमिली हेड के मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है। OTP हमने यहाँ पर एंटर कर दिया, अगर OTP नहीं आता तो फिर आपको रीसेंड OTP पे क्लिक करना है। देन OTP एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार का एरर यहाँ पर आ जाता है कहीं पर, तो आपको बार बार ट्राई करना है। जैसे आप हेड का नंबर अपडेट कर दोगे उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है, हेड का नंबर अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है और मोबाइल लॉगिन पे क्लिक करके आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर OTP डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। इस प्रकार जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, 7 और 3 10 होते हैं और यहाँ पर मैंने लॉगिन पे क्लिक कर लिया है। उसके बाद फिर आपको देखिए यहाँ पर ये पूछेगा, तो आपको बोलना है कि आपके पास फैमिली ID है, तो आपको यस पे क्लिक करना है। जो आपको अभी नंबर मिला है, फोटो आपने क्लिक किया था, वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, सर्च क्लिक करना है, फिर आपकी फैमिली आईडी खुल जाएगी। उसके बाद फिर आपको देखिए क्या करना है, जैसे ही फैमिली आईडी खुल जाएगी आपको प्रिंट आउट निकालना है फैमिली आईडी का, और उस पर साइन करके नीचे आपको प्रिंट आउट निकालने के बाद नीचे आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आपको प्रिंट आउट स्कैन करके आपको अपलोड कर देना है। देन उसके बाद जो नंबर है फैमिली आईडी का इस प्रकार का 2GQ, तो जो रैंडमली नंबर होता है इस प्रकार का, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर यानी कि समझ लो आपकी जो फैमिली आईडी है वो परमानेंट बन चुकी है। तो गाइस जितनी भी जानकारी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है सेम आपको वैसे ही करना है। अगर कोई एरर आ जाता है, क्योंकि दोस्तों क्या हो रहा है कि आजकल जो है फैमिली आईडी सब अपनी अलग अलग कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एरर आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि साइट जो है काफ़ी बार बिजी हो जाती है। तो आपको जैसे कि यहाँ पर फैमिली आईडी तो अलग हो चुकी है मेरी वीडियो में, लेकिन आपको अब मोबाइल नंबर अपडेट करने हैं। जब आप मोबाइल नंबर अपडेट करोगे जैसे मैंने आपको इस फ्रेम बताया है सेम आपको वैसे ही करना है, तो आपकी फैमिली आईडी अलग बन जाएगी, उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। तो दोस्तों ये तो पूरा इन्फॉर्मेशन, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ताकि हम जैसे ही वीडियो पर आप मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।